कोई एक मुफीद टोटका जो अपने ऊपर अक्सर आजमाती हैं। कोई मुफीद टोटका जो अपने ऊपर आजमाती हैं। मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी, हाँ, और जो फ्रूट खाती हूँ मुंह पे भी लगा देती हूँ। वाकई? हाँ, पीच जो भी खा रही होंगी। दो बार दिन में जूसेस पी लिए, साथ फ्रूट खा लिए, तो मैं ज्यादा खाने वाली चीजों पे बिलीव करती हूँ। अक्सर जो आजमाती हूँ, आई थिंक हमारे घर में सभी ये करते हैं, तो बचपन से ही देख रही हूँ। आई थिंक पिस्ता और दूध, उसमें मिक्स पिस्ता का पाउडर और दूध में मिक्स करके उसमें थोड़ा सा बादाम भी, तो बस वो स्किन पे लगाते हैं और उसको रब करके आहिस्ता आहिस्ता स्क्रब करके वॉश कर देते हैं। बस स्क्रब टाइप हो जाता है और उसके उसके एसेंस भी चले जाते हैं। भुरभुरा सा, बिल्कुल भुरभुरा सा। तो बहुत इफेक्टिव है। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त टोटका। तो उसने बताया प्याज का पानी भी लगाती है, मुल्तानी मिट्टी लगाती है। अनार totally good for skin, आपका अनार का जूस अगर आप दिन में दो बार पी, तीसरे चौथे दिन आपको फील हो रहा होता है कि आप दिन में दो दफा, दो बार मैं पी लेती हूँ। really? हाँ, इससे वेट गेन नहीं होता यार? अगर बहुत ज्यादा आपकी डल हो रही है स्किन तो आप, मैं पी लेती हूँ। अच्छा, पता है अगर आप खाना क्विट कर देना और जूस, खाना नहीं फिर मैं कर लें तो फिर। अच्छा, मैं जैसे एक चीज जो रेगुलरली करती हूँ वो है सेलरी जूस। आई हैव टू हैव माय सेलरी जूस, या केल एंड सेलरी। केल तो बहुत ही अच्छा, हाफ एप्पल डाल के ताकि स्वीट ज्यादा ना हो और बहुत ज्यादा भी ना जा रहा। एबीसी या एबीसी इज रियली गुड, यू नो, बीटरूट एप्पल एंड कैरेट, लेकिन सेलरी इज वेरी गुड फॉर योर स्किन। अच्छा, पता नहीं मुझे तो जूस से फायदा होता है, लेकिन अक्सर जो होते हैं ना, मैं डाइटिशियन से पूछती हूँ तो कहते हैं आप जूस से बेहतर है आप फ्रूट खाएं। अब देखिए, जैसे इतना पर है, अब शूट पर है हम, अब मैं किसी से को अनार छील के ला दूं, अब उसके हाथ पर छीला कैसे खाऊंगी मैं? वो छील नहीं सकती, तो एटलीस्ट जूस पीकर कुछ तो आपको फायदा हो रहा है, कुछ तो जा रहा है, क्योंकि डाइटिशियन कहते हैं ऐसे तो आपके अंदर शुगर जा रही है, बहुत शुगर जा रही है। लेकिन जब भी मैंने ये कुछ मतलब लाइक एबीसी जूस है या इस तरह के जूसेस पे, इनफैक्ट मैं आप सबको बताना दोबारा चाहती हूँ, लोगों को तो बताया है, जब मुझे कोविड हुआ था ना तो मुझे कोई इतने हार्श सिम्टम्स नहीं हुए थे। वो तो टेस्ट कराया, मतलब मैं एसिम्टोमेटिक थी, कोई सिम्टम नहीं था मुझे, मगर उस वक्त था फालसे का दौर। मैं जो भी दौर आ रहा था, उससे पहले अनार का दौर था, तो मैं दो दो ग्लास जूस अनार के पी रही थी। वो दौर खत्म हुआ तो फालसा शुरू हो गया, तो फालसे का दौर था, मैं उसके जूसेस पी रही थी बहुत। सो विटामिन सी की वजह से मेरा इम्यून सिस्टम बड़ा स्ट्रांग रहा। मेरे घर में जिस जिसको कोविड हुआ वो सख्त बीमार हुआ, लेकिन क्योंकि मैं फालसा पीती थी तो मुझे लगता है कि है फायदा जूस। मैं तो यही बात कहती हूँ कि मतलब उल्टा पुल्टा खाने से बेहतर है कि आप एटलीस्ट तो हेल्दी है ना। और अपना जो भी अगर घर में जूस बना रहे हैं, थोड़ा सा जिंजर जरूर डालें। जिंजर इज सो गुड, इट्स वेरी गुड, वेरी गुड फॉर डाइजेशन के लिए। यस, और वैसे भी शुगर कैन में हमेशा होता है थोड़ा सा जिंजर, इट्स वेरी गुड।